हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, आज हमें जीएसटी की अकाउंटिंग सीखना है मेरे बच्चे। मैं टैक्स में नहीं जा रहा, मैं टैक्स नहीं जानता, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ये अकाउंटिंग फॉर जीएसटी है, यानी कि जीएसटी जो है हमारे अकाउंट्स में कैसे इसकी रिकॉर्डिंग होगी। आप किसी भी चैप्टर में चले जाइए, ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे हर एक चैप्टर में कहीं भी अप्लाई हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम बात आपका किसी चीज़ के परचेज सेल की करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी का कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। तो आप आइए जरा, अगला एक से डेढ़ घंटा जो होगा बहुत दिमाग शांत करते हुए मेरी बातें सीखेंगे, समझेंगे। अगर आप पहले से कुछ जानते भी हैं तो अभी दिमाग से हटा देंगे, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटेशन नहीं सिखाना चाहता, ना सिखाऊंगा। मुझे तो बस अकाउंटिंग सिखाना है। मैं सिर्फ अकाउंट्स जानता हूं मेरे बच्चे, अकाउंटिंग आपको सिखाऊंगा। इसी प्रोसेस में देखो जरा, मैंने आपको बताया यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जीएसटी इज लेविड, लेविड मतलब चार्ज होता है, एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आप एक काम करो, इस सेंटेंस को लिख के सेल और रेंडरिंग को आप यहां पे कर लो अंडरलाइन। देखो, जीएसटी जो है मेरे बच्चे, ये चार्ज किया जाता है प्रिस्क्राइब रेट से, रेट फिक्स्ड है। हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि एक ऐसा टैक्स निकाला जिस टैक्स ने जितने सारे हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेज थे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, आपका सर्विस टैक्स, पता नहीं कितने तरीके के टैक्स थे मेरे बच्चे, उन सबको ख़त्म करके एक टैक्स निकाला जिसका नाम रखा गया जीएसटी। ये जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कॉन्सेप्ट अभी अकाउंटिंग टैक्स सिस्टम जो हमारे देश का है उसको बड़े अच्छे तरीके से इसने सिंप्लीफाई किया हुआ है। एक छोटा सा जो बच्चा है तीसरी चौथी क्लास का, वो भी जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। पहले मेरे बच्चे इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेज थे कि उनको समझते समझते हम बुड्ढे हो जाते थे, फिर भी हमें वो बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं आपको देखो ना, एक से डेढ़ घंटे के अंदर में आपको जीएसटी पे मैं मास्टर बना दूंगा, फिर आप भी सारी बातें समझना शुरू कर देंगे। ये जीएसटी लेविड यानी कि चार्ज करते हैं प्रिस्क्राइब रेट से, गवर्नमेंट ने रेट दिए हैं आपका 12%, आपका 18%, 28%, 5%, कई सारे रेट हैं मेरे बच्चे, उसी रेट से जीएसटी चार्ज होगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। पूरे इंडिया में एक टैक्स आपका निकल के आया है। यानी कि आप जो पहले क्या होता था कि एक स्टेट में अलग रेट है, दूसरे स्टेट में अलग रेट है, अब ऐसा नहीं है, रेट आपका एक हो चुका है, जो पूरे इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको मिलेगा, वो प्रिस्क्राइब रेट है जो मेरे बच्चे, वो आपका उससे चार्ज किया जाएगा ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स। मैं आपको इसको समझाता हूँ, आप लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर वन यहाँ पे। एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है, देखो कहता है कि फर्म ने, अगर फर्म ने सोल्ड किया, फर्म सोल्ड गुड्स फोर रुपीज़ वन लैख टू मान लो कस्टमर्स। अगर फर्म ने क्या किया, कस्टमर को गुड्स बेचा मेरे बच्चे 1,00,000 रुपए का, और कहता है कि यहाँ पे जो जीएसटी है, जीएसटी जो है वो कहता है आपका मान लो यहाँ पे 18%, मान लो कह रहा हूँ मैं 18% है, तो पता है यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये फर्म गुड्स बेचेगा किसी भी कस्टमर को तो जीएसटी चार्ज करेगा। यानी कि ये जो फर्म है यहाँ पे टोटल अमाउंट सोल्यूशन में मैं आपको यहाँ कुछ दिखा रहा हूँ, ये जो प्रोसीड्स ये रिसीव करेगा, प्रोसीड्स फॉर सेल ऑफ गुड्स, जरा बताओ जो इसने गुड्स बेचा है उस गुड्स के बदले में कितना लेगा जी, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 मेरे बच्चे, इसके साथ साथ वो कस्टमर से जीएसटी भी चार्ज करेगा। कस्टमर से जीएसटी लेगा कितना जी, 18% अपने सेल प्राइस पे, तो आपका यहाँ जरा बताओ 1,00,000 रुपए का 18% यानी कि 18% ये कितना निकल के आ गया, 18,000 का अमाउंट। यानी कि जो फर्म ने टोटल अमाउंट रिसीव किया होगा, जो टोटल अमाउंट इन्होंने रिसीव किया होगा, लिखो ये सारी बातें फिर मैं अकाउंटिंग में लेकर आऊँगा, वो 1,18,000 का अमाउंट हो गया मेरे बच्चे। इन्होंने क्या किया होगा, कस्टमर से जो टोटल अमाउंट चार्ज किया होगा वो 1,18,000, इस 1,18,000 में 1,00,000 जो है ना, 1,00,000 रुपये ये तो हो गया बिलोंग्स टू फर्म, ये हो गया बिलोंग्स टू फर्म, यानी कि ये तो फर्म अपने पास रख लेगी, लेकिन मेरे बच्चे ये जो 18,000 इन्होंने रिसीव किया ना कस्टमर को गुड्स को बेचने के टाइम पे, ये पैसा फर्म का नहीं है,
ये 18,000 रुपये जो एक्स्ट्रा उन्होंने रिसीव किया ये पेबल है, ये पे किया जाएगा, पेबल किसको, टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पे कर देंगे। मतलब मैं अगर मान लो कि आपको गुड्स बेचता हूँ, चलो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू, मान लो सीओसी लिमिटेड, मतलब सीओसी नाम तो सुना ही होगा मेरे बच्चे, अगर सीओसी ने क्या किया, कहता है कि सोल्ड क्लासेज टू स्टूडेंट्स, हमने अगर स्टूडेंट्स को क्लास बेचा मान लो ₹4.5 लाख में, अगर 5 लाख में मैं क्लासेज बेचूंगा तो मेरे बच्चे यहां पे मुझे अपने बच्चों से जीएसटी भी लेना पड़ेगा, और मेरा अभी जो प्रिस्क्राइब रेट है वो 18% है, आपके पास जो क्लासेज जाती हैं वो सारा का सारा पैसा मेरे पास नहीं आता मेरे बच्चे, जो क्लासेज मैंने बेचा है उसमें 5 लाख तो मेरे पास आएगा, यानी कि सोल्यूशन में जो प्रोसीड्स हुआ, प्रोसीड्स फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, मैं अपने सर्विसेज आपको बेच रहा हूँ, तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो मैं सर्विस में आपको बेच रहा हूँ उसके बदले मैंने कितना लिया, 5 लाख रुपए का अमाउंट, 5 लाख मैंने 5 लाख लिया, लेकिन इस 5 लाख पे मुझे जीएसटी भी यहाँ पे करना पड़ेगा, माफ कीजिए, मैं क्या करूँगा, जब गुड्स बेचूंगा 5 लाख का आपको, स्टूडेंट्स को, तो आपसे मुझे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इनसे 18% टैक्स भी लेना, जीएसटी। मेरे बच्चे जो गुड्स इंजॉय करता है, जो सर्विसेज इंजॉय करता है, मतलब कौन इंजॉय कर रहा, आप कस्टमर, ये जीएसटी हम उनसे चार्ज करते हैं, हम उनसे लेते हैं, मतलब मुझ पे ये नहीं है, मैं तो 5 लाख रुपए अपना लूंगा ही लूंगा, और आपसे यानी कि स्टूडेंट से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 लाख रुपीज का जो 18% है ये मैं आपसे कलेक्ट करूंगा, कितना, 80,000 का अमाउंट, यानी कि टोटल पैसा जो मैंने आपसे चार्ज किया वो 5,80,000, लेकिन मेरे बच्चे 580 में जो मेरे पास रह जाएगा बिलोंग्स टू सीओसी, जो मेरे पास रह जाएगा 5 लाख रुपए, और ये 80,000 जो मैंने आपसे लिया था ये मैं क्या करूंगा, पेबल टू गवर्नमेंट, ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, समझे मेरी बात। यहाँ पे मैं धीरे धीरे अकाउंटिंग के पास लेके आना चाहता हूँ, इसकी और भी बहुत सारी बातें होनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, थोड़ी सी बातें समझो ना, देखो आगे कैसे कैसे इसको मैं अकाउंटिंग में जोड़ता हूँ। मैंने तो कहा कि जो भी चाहे गुड्स को सेल करेगा चाहे सर्विसेज को रेंडर करेगा उन सबको, यानी कि उन्हें क्या करना होता है जी, कि जब गुड्स बिका या सर्विसेज रेंडर हुआ तो अल्टीमेट जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसको एंजॉय कर रहा है, उससे हमें टैक्स लेना होता है एंड गवर्नमेंट को देना होता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चे ये आपका यहाँ पे जीएसटी का कॉन्सेप्ट हुआ, हर एक आदमी जो सेल करेगा उसको जीएसटी पे करना होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जीएसटी जो आपका होता है इसके भी कई सारे टाइप्स हैं मेरे बच्चे, कई सारे पार्ट्स हैं, मैं अब वहाँ पे आता हूँ। आप कहो तो मैं इसको मिटा दूँ क्या, आपने मेरे हिसाब से इसकी कॉपी कर ली होगी, हाँ सर हाँ ये कॉपी हो चुका है, आगे बताओ। मेरे बच्चे पॉइंट वन छोड़ देता हूँ, बस जो अभी एग्जाम्पल आपको समझाया ना इसको दिमाग में रखना, और आप एक काम करो लिखो यहाँ पे पॉइंट नंबर टू, अब आपका पॉइंट नंबर टू। मेरे बच्चे ये जो सेल ऑफ गुड्स होते हैं, ये जो आपका सेल ऑफ गुड्स जो होते हैं, जो गुड्स बेचे जाते हैं, और जो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये जो सर्विसेज जो रेंडर किए जाते हैं, ये गुड्स का बेचना या सर्विस का रेंडर करना, ये दो तरीके में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जीएसटी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। मेरे बच्चे ये सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो होगा, या तो ये आपका होगा इंट्रा स्टेट आपका, या फिर ये होगा इंटर स्टेट। सर हम भी लिखे, हाँ मेरे बच्चे आपको साथ साथ मेरी बातें लिखनी है, साथ साथ लिखनी है, यानी कि जो गुड्स बिक रहा है या फिर सर्विसेज जो रेंडर हो रहे हैं, या तो वो इंट्रा स्टेट होंगे या फिर इंटर स्टेट होंगे। सर इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, लिखो यहाँ पे, लिखेंगे इसके बारे में, व्हेन सेल takes place within the state। मेरे बच्चे अगर किसी एक ही स्टेट के बीच में, एक ही स्टेट के अंदर अगर हम सेल करते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं एक ही स्टेट के अंदर में,
तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। जैसे कि अगर मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे बच्चे अगर मैं अपनी क्लासेज को दिल्ली में ही बेचता हूँ तो ये इंट्रा स्टेट सेल कहा जाएगा। अगर मान लो मैं इस क्या बोलते हैं मार्कर को मेरे बच्चे में बेचता हूँ, मेरी दुकान जो है अगर वो सपोज की दिल्ली के अंदर है और दिल्ली में ही कस्टमर को मैं ये बेचता हूँ तो इसको कहा जाएगा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि एक ही स्टेट के बीच में जब आप सेल परचेज करते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। लेकिन मेरे बच्चे इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है व्हेन आपका कहता है कि सेल्स टेक प्लेस विद इन टू स्टेट्स। अगर किसी दो स्टेट्स के बीच में अगर मैं सेल करता हूँ, दो स्टेट के बीच में अगर सर्विसेज को रेंडर करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं अपनी क्लास दिल्ली में रह के मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश में बेच रहा हूँ, अगर दिल्ली में रहकर मान लो कि महाराष्ट्र में क्लास बेच रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहकर मान लो बिहार में क्लास बेच रहा हूँ, दिल्ली में रहकर झारखंड में बेच रहा हूँ, दिल्ली में रहकर मैं पश्चिम बंगाल में क्लास बेच रहा हूँ, तो मैं अगर दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन अगर इन्वॉल्व है हम इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल आपका। दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल। तो ये आपका इंट्रा स्टेट हो गया, वो आपका इंटर स्टेट सेल हो गया। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला विद इन दिल्ली, अगर मैं विद इन दिल्ली ही काम करता हूँ तो ये मेरा इंट्रा स्टेट कहा जाएगा। और मेरे बच्चे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिल्ली एंड मान लो हमने कह दिया आपका यहाँ पे सपोज दैट यूपी उत्तर प्रदेश, तो अगर इनके बीच में करूँगा तो फिर क्या कहा जाएगा इंटर स्टेट सेल आपका। हाँ एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, चाहे आप इंटरस्टेट सेल करें चाहे सेल करें इंटरस्टेट, जीएसटी का रेट जो है मेरे बच्चे दोनों में सेम है। मतलब अगर मान लो मैं दिल्ली के अंदर सेल करता हूँ या दिल्ली से बाहर सेल करता हूँ, दोनों में जीएसटी का जो रेट है बिल्कुल सेम है। तो फिर सर आपने इस दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपको कुछ और बातें समझनी है मेरे बच्चे, ध्यान देना। कहा गया है कि जब इंट्रा स्टेट सेल होता है मतलब विद इन दिल्ली अगर मैं कोई सेल करता हूँ तो जो मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूँगा, जो कस्टमर से मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा वो दो जीएसटी होगा। एक होगा आपका सेंट्रल जीएसटी और एक होता मेरे बच्चे स्टेट जीएसटी। समझ लो, अगर मान लो मैं सेल विद इन दिल्ली करता हूं यानी कि दिल्ली में रह के दिल्ली के कस्टमर को बेचता हूं तो मैं जो जीएसटी कलेक्ट करूंगा वो एक होगा सेंट्रल जीएसटी जिसको शॉर्ट में CGST कहा जाता है और स्टेट GST यानी कि जिसको SGST कहा जाता है मेरे बच्चे। ये दोनों मिलाकर यहाँ पे अगर दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरा वो टोटल GST हो जाएगा जो GST मुझे कस्टमर से कलेक्ट करना है, जो मुझे कस्टमर से लेना है। पता होता क्या है एक्चुअली, अगर मान लो हमारा GST का जो रेट है अगर 18% है तो मेरे बच्चे 18% में 9% यानी कि आधा जो होगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें से जाएगा और आधा यानी कि जो बाकी का 9% होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। आप देखो ना, हमारे देश में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी रोड बनाने होते हैं, डैम्स बनाने होते हैं, ब्रिज बनाने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। और हमारे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मेरे बच्चे इनको भी बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, इनको भी अपना डिफेंस देखना है, बाहर का आपका और भी एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, हाईवे देखना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो इनको भी करने होते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया है, क्योंकि पहले रेट स्टेट का भी अलग होता था, सेंट्रल का भी होता था, ये रेट वो रेट सब चक्कर ख़त्म हो गया। हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बैठी, उन्होंने डिसाइड किया भैया अब आप और मैं अलग अलग टैक्स नहीं लेंगे, गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी टैक्स लेंगे उस टैक्स को हम क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, आधा आपका आधा मेरा, आधा आप खर्च करो अपने स्टेट में और मैं ओवरऑल जो मुझे खर्च करना है सेंट्रल लेवल पे वो मैं खर्च करूंगा। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, जो जब भी सेल इंट्रा स्टेट सेल होगा यानी कि एक ही स्टेट के अंदर में, तो आपको दो तरीके का यहाँ पे टैक्स लगता है, CGST SGST, लेकिन ये पक्का है कि ये दोनों मिलाकर जो GST का रेट है उसको एक्सीड नहीं करेगा। इतनी सच्चाई इसमें भी है कि जो भी आपका GST का रेट होगा वो रेट कन्फर्म्ड इक्वली दो पार्ट में हमेशा डिवाइड होगा,
मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 ले लो हम 8 ले लेंगे, ना 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 ना, ये संविधान में बन गया मेरे बच्चे कि अगर रेट मान लो हमारे देश में 28% का होता है तो 28 में 14% आपके पास जाएगा, 14% हमारे पास जाएगा और मिलके आपका 28% हो जाएगा अगर ये इंट्रा स्टेट सेल होता है तो। समझो मेरी बात यहाँ पे सर? हाँ सर, हाँ। और अगर ये इंटर स्टेट सेल है, यानी कि अगर दो स्टेट के बीच में सेल होता है मेरे बच्चे, दो स्टेट के बीच में, तो यहाँ पे जो आप जीएसटी चार्ज करते हो उसको हम कहते हैं इंटेग्रेटेड जीएसटी, इंटेग्रेटेड जीएसटी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं आईजीएसटी। मेरे बच्चे जैसे यहां पे दो तरीके का आपका जीएसटी था, दोनों मिलके यहां पे हुआ, ऐसा यहां पे नहीं होता। अगर मान लो मैं जब सेल कर रहा हूं और कोई दो स्टेट वहां पे इन्वॉल्व है, दो स्टेट, तो उस केस में जितना भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। समझो मेरी बात यहां पे? अगर एक ही स्टेट में हमने सेल किया तो आधा पैसा गवर्नमेंट का सेंट्रल का, आधा उस स्टेट का जहां पे हमने सेल किया। लेकिन जहां पे दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाएंगे वहां पे क्या होगा, जितना भी जीएसटी आएगा वो सारा का सारा पैसा, कहते हैं कि होल अमाउंट, ये पूरा का पूरा जो जीएसटी है बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे बच्चे ये सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे दो पार्ट थे वो काम नहीं करना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करना है, फिर उस अमाउंट को जो वो रिसीव करेगी वो जो दो स्टेट थे उनके बीच में भी कुछ डिवाइड करते हैं। मेरे बच्चे वो डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, उसको अकाउंटिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कंप्यूटेशन में चला जाएगा। हमें तो यहाँ पे अकाउंटिंग सीखना है, हमें तो ये देखना है कि अगर वो इंटर स्टेट सेल हुआ है तो एक ही जीएसटी होगा आईजीएसटी, जो सारा का सारा क्या होगा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को हम देने की यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करते। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आने के बाद वो हर एक स्टेट को कितना कितना देती है वो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हमारा ये काम निकल के आता है। मेरे बच्चे आपको बताया कि जीएसटी जो लेवी होता है प्रिस्क्राइब रेट से ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब ये सेल ऑफ गुड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो यहाँ पर लिखा गया था वो इंट्रा स्टेट हो सकता है, इंटर स्टेट हो सकता है। इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट हो गया आपका यहाँ पे इंटरेस्टेड। यहाँ पे दो तरीके का सीजीएसटी एसजीएसटी, दोनों मिला के टोटल जीएसटी, और यहाँ तो जो टोटल जीएसटी होगा सारा आपका आईजीएसटी, यानी कि बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे बात समझ में आ गई सर? हाँ सर, हाँ सर, आप क्या पढ़ा रहे हो सर, जीएसटी पढ़ा रहे हो? ना मेरे बच्चे ना, मैं तो उन वर्ड्स पे आपको पहले मास्टरी करा रहा हूं जिन वर्ड्स को आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो। और आप मुझ पे अगर ज्यादा बोलोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? मैं एक काम करता हूं, अब इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं फटाफट अकाउंटिंग में आ ही जाता हूं। एंड पॉइंट नंबर 3 में मैं लिखता हूं यहां पे जी, फॉर अकाउंटिंग पर्पस, जो हमें सीखना है मेरे बच्चे, फॉर अकाउंटिंग पर्पस। मैं अब आपको अकाउंटिंग पर्पस में आने वाले शब्द जो हैं, जो वर्ड जो है, मैं अब उसमें मास्टरी कराना चाहता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, फॉर अकाउंटिंग पर्पस, एक काम करते हैं, मैं जब अकाउंटिंग पर्पस की बात करता हूं ना तो मैं एक दिमाग में एक कंपनी का नाम लिखता हूं, मान लो जैसे टाटा लिमिटेड। टाटा, आपने नाम तो सुना ही होगा टाटा लिमिटेड। मेरे बच्चे आपको ये देखो, ये पता है ये कौन है, आप अपने आप को मान लो, ये आप ये हो मेरे बच्चे, आप ये हो और आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हो। मैं कुछ एंट्रीज आपको दूंगा, उस एंट्रीज को आपको अकाउंटिंग करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना है। सुन लो मेरी बात सर। हाँ सर, हाँ बोलो ना, क्या करना चाहते हो मेरे बच्चे? पहले अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपको ये बात समझना होगा कि वर्ड जीएसटी, ये जो जीएसटी वर्ड आपका है ना, जब आप इनका अकाउंटिंग करोगे तो ये वर्ड दो जगह पे आपको दिखेंगे। जब आप टाटा लिमिटेड की अकाउंटिंग करोगे तो जीएसटी वर्ड दो जगह दिखेगा, एक दिखेगा अगर आपने कुछ परचेज किया है, परचेज ऑफ गुड्स, अगर मान लो टाटा कंपनी ने कोई गुड्स परचेज किया मेरे बच्चे, या फिर टाटा कंपनी ने अगर परचेज किया है, परचेज किया यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, कोई एसेट्स आपने परचेज किया है, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, या फिर अगर मान लो आपने कोई
परचेज किया है, परचेज ऑफ सर्विसेज, अगर आपने कोई सर्विस परचेज किया, मतलब सर्विस इंजॉय किया है बाहर वालों से, बाहर वालों से, फॉर एग्जांपल जैसे कि रेंट हो गया, हम किसी के बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं उसके बदले में रेंट पे किया हमने, मान लो यहाँ पे आपका टेलीफोन, अगर हमने टेलीफोन, मान लो हमने टेलीफोन बिल, हमने जब टेलीफोन यूज किया तो टेलीफोन बिल पे किया होगा, उसी तरीके से मेरे बच्चे हमने मान लो एडवर्टीजमेंट कराया होगा किसी कंपनी को हायर करके बाहर वाले को, वहाँ पर हमने कुछ चार्जेज पे किए होंगे एक्सेट्रा। आप समझो ना, जब हम अकाउंटिंग बात करेंगे टाटा कंपनी का अकाउंटिंग, तो टाटा कंपनी का जब अकाउंटिंग होता है तो मेरे बच्चे इस अकाउंटिंग में जीएसटी वर्ड आपको कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो जब गुड्स को परचेज किया जाएगा, जब फिक्सेड्स को परचेज किया जाएगा, जब सर्विसेज आप परचेज करेंगे तो मेरे बच्चे जीएसटी वर्ड दिखेगा। एक सवाल दिमाग में उठ गया, एक सवाल कि सर ये परचेज करने के टाइम पे क्यों दिखेगा जबकि लिखा गया है कि जीएसटी हम पे करते हैं ऑन एवरी सेल, जब सेल होगा तब ना सर, जब सेल करूंगा तब तो जीएसटी का नाम आएगा, परचेज के टाइम पे जीएसटी का नाम क्यों आएगा। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा दिमाग शांत करो, आप भूल जाओ कि दुनिया में कोई परेशानी है, किसी ने आपको पीटा है, किसी ने आपको मारा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, दिल में कुछ चुभन हो रही है, सब कुछ भूल जाओ, बस मेरी बात सुनो ध्यान से। जब मैं आपको सेल वाली बात समझा रहा था तो वहां पे एक दो एग्जांपल दिखाया था, मैं उसी की थोड़ी सी बातें यहां पे दिखाता हूं क्योंकि मुझे अकाउंटिंग करना है। सुनो ध्यान से, अगर मान लो टाटा कंपनी ने गुड्स परचेज किया तो मेरे बच्चे ये कंफर्म्ड है कि इन गुड्स को किसी ने बेचा होगा, मान लो वो कंपनी है एक्स लिमिटेड, अगर एक्स लिमिटेड ने मेरे बच्चे गुड्स सोल्ड किया, जब सोल्ड किया होगा गुड्स तो आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। अगर मान लो एक्स लिमिटेड ने सोल्ड किया होगा क्या जी, फिक्स्ड एसेट्स, तो आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। किसी ने सर्विसेज अगर आपको बेची होंगी, सर्विसेज सोल्ड की होगी तभी आपने परचेज किया होगा, और इसने जब भी इनको बेचा होगा, जब भी इसने बेचा होगा तो मेरे बच्चे इसने जीएसटी आपसे चार्ज किया होगा, किया होगा ना, बोलो ना हाँ। अरे जब इसने सेल किया होगा तो इसने जीएसटी चार्ज किया होगा, और आप वो कंपनी रहे होगे आप जिसने जीएसटी पे किया होगा क्योंकि जो उन चीजों को इंजॉय करता है, जो उसको परचेज करता है, वही जीएसटी पे करता है। मैंने ऊपर में भी एक दो एग्जांपल दिखाया था, अगर मान लो मैंने सर्विसेज आपको बेचा है तो मैंने आपसे जीएसटी लिया लेकिन आपने मुझे दिया, उसी तरीके से मेरे बच्चे, उसी तरीके से अगर इन्होंने सेल किया तो आपने परचेज किया, सेल करने के टाइम पे इन्होंने जीएसटी रिसीव किया होगा, इन्होंने जीएसटी रिसीव किया होगा और ये जीएसटी आपने क्या किया होगा, पे किया होगा। यानी कि जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे, फिक्सेड्स को परचेज करोगे, सर्विसेज को परचेज करोगे, तो इस टाइम पे अगर मैं टाटा कंपनी की बात करूं तो इन्होंने जीएसटी पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा, इन्होंने रिसीव किया होगा, मतलब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, टाटा लिमिटेड ने पे किया होगा और ये पैसा इन्होंने रिसीव करके ये किसको दे दिया होगा जी, गवर्नमेंट को, इन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया होगा क्योंकि जो भी सेल करता है वो आपसे पैसा लेकर वो गवर्नमेंट को दे देता है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है ना सर, हाँ सर हाँ। तो मेरे बच्चे सुनो ना, सुनो ना, टाटा लिमिटेड जब भी ऐसा कुछ काम करेगा तो आपके सिलेबस में उसके अंदर में जीएसटी की बातें आ सकती है। खैर छोड़ो ना सिलेबस की बात, अभी कुछ और बातें समझते हैं। मुझे बताओ टाटा लिमिटेड ये जो गुड्स परचेज किया, फिक्सेड्स लिया, सर्विसेज परचेज किया, क्या खाने के लिए, मतलब ये टाटा खाएगा या इनसे अपना गुड्स बना के आगे मार्केट में बेचेगा, बोलो बोलो, ये जो चीजें टाटा ने परचेज किया क्या खाने के लिए या फिर इनसे गुड्स बना के आगे बेचने के लिए, सर बेचने के लिए, यानी कि ये भी ये सेल करेंगे अब अपना गुड्स, जो गुड्स इन्होंने बनाया होगा, या फिर ये सेल करेंगे अपना सर्विसेज, सर्विसेज ये सेल करेंगे, मेरी बात करो, छोड़ो टाटा कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है मेरे बच्चे, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। मैं कई चीज़ें मैंने अपने बिजनेस के लिए परचेज किया है,
मैंने एक आपका अपना स्टूडियो परचेज किया है, मैंने यहाँ पे मैं अपना स्टूडियो के साथ साथ मेरे कैमरा यानी कि एफेक्ट्स परचेज मैंने किया हुआ है, लाइट्स जो है फिक्सेट्स ये सब परचेज मैंने किया हुआ है मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पेन ड्राइव परचेज करता हूँ, जिस पेन ड्राइव से क्लासेज आपके पास जाती हैं मैं वो भी परचेज करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट भी कराता हूँ, मैं रेंट भी पे करता हूँ, टेलीफोन बिल भी पे करता हूँ, बहुत सारे पेमेंट करता हूँ, लेकिन इनको पेमेंट करके मैंने आगे क्या बेचा? अपनी सर्विसेज, जो मेरी क्लासेज रिकॉर्ड हुई उन क्लासेज को मैं आपको बेचता हूँ, तो क्लासेज को मैं यहाँ पे यानी कि अपने सर्विसेज को बेच रहा हूँ। अगर मैं सर्विसेज बेचूंगा तो मेरे बच्चे मैं किसको बेच रहा हूँ? मान लो मैं बेच रहा हूँ अपने कस्टमर को, मैं बेच रहा हूँ अपने कस्टमर को, और जब मैं इनको सेल करूँगा तो कस्टमर से मैंने जीएसटी रिसीव किया होगा, क्योंकि जो भी मेरे गुड्स को कंज्यूम करेगा उससे मुझे जीएसटी लेना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया जो भी कंज्यूम करेगा आप उससे जीएसटी लो। अब सुनने मेरी बात, तो मैंने क्या किया जी, मैंने क्या किया, जब मैंने गुड्स को बेचा या सर्विसेज को मैंने बेचा तो जिस कस्टमर को मैंने सेल किया उन कस्टमर को सेल किया उनसे जीएसटी हमने रिसीव किया होगा। मेरे बच्चे अगर आप टाटा कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एक जीएसटी ये पे कर रहे हैं और एक जीएसटी ये रिसीव कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, जीएसटी जो मैं पे करूंगा, टाटा कंपनी जीएसटी जो पे करेगी, इसको एक नाम दिया गया है इस चैप्टर के अंदर में, हम कहेंगे इसको इनपुट, इनपुट जीएसटी, और पेड को डाल दिया ब्रैकेट में मैंने, मतलब आप इसको कहना इनपुट जीएसटी। जो भी टाटा कंपनी ने अपने इनपुट पे, अपने रॉ मटेरियल पे, फिक्सेड्स पे, सर्विसेज पे जो जीएसटी पे किया होगा इसको हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी, और जो जीएसटी आपने रिसीव किया इस जीएसटी रिसीव को हम कह देंगे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी आपका रिसीव्ड वर्ड हटा देते हैं, मतलब मैं जब अकाउंटिंग करूंगा, जब मैं एंट्री पास करूंगा, जब मैं लेजर में पोस्टिंग करूंगा, तो मैं रिसीव्ड और मैं यहां पे पेड वर्ड नहीं कहूंगा, मैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी कहूंगा। मेरे बच्चे इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जो जीएसटी हमने अपने इनपुट पे पे किया होगा, जब भी आएगा इनपुट जीएसटी यानी कि आपने पे किया है, देख लो मैंने समझा दिया, और जब भी कहता आउटपुट जीएसटी यानी कि वो जो हमने कस्टमर से अपने आउटपुट पे, अपने प्रोडक्शन पे, अपने सेल पे जो हमने रिसीव किया होगा मेरे बच्चे, ये आउटपुट जीएसटी हो गया। अब सुनो सुनो, आप बिल्कुल अल्टीमेट कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं, बातें सारी खत्म होने वाली है, कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं, फिर तो दो चार एंट्री करके हम चैप्टर को एंड करने वाले हैं। सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं मेरे बच्चे, जब मैंने इन सारे सर्विसेज को जब मैंने परचेज किया था, मान लो यहाँ पे 8000 का जीएसटी मैं पे कर चुका हूँ, मैंने जब इन सर्विसेज को अपने पास लिया था तो मैंने 8000 रुपये का जीएसटी पे कर लिया, एज्यूम कर रहा हूँ, मान लो 8000 पे कर दिया, किसको पे कर दिया जी, एक्स लिमिटेड को, और एक्स ने इस 8000 को, जब हमने 8000 पे किया तो इसने 8000 रुपये रिसीव किया और किसको दे चुका है, गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को दे चुका है। मेरे बच्चे इन सब से जो मैंने अपना सामान बनाया और जो कस्टमर को बेचा, तो कस्टमर से मान लो मैंने 15000 का जीएसटी रिसीव किया, 15000 रुपए, क्योंकि जब मैं बेचूंगा तो मुझे भी तो रिसीव करना है ना बच्चे, ध्यान देना मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनसे मैंने परचेज किया था उनको 8000 का मैंने जीएसटी पे किया, और इनसे जो मैंने गुड्स बनाया उससे कस्टमर से कितना रिसीव किया, 15000। अब देखो क्या मस्त चीज हमारी गवर्नमेंट ने बताई है, वो कहते हैं कि जरा बताओ कि जो आपने कस्टमर से 15000 रिसीव किया, इस 15000 के अगेंस्ट आप ऑलरेडी मुझे कितना पे कर चुके हो, मतलब सर यहां देखो, आप यहां देखो, देखो इन्हीं सब चीजों से मैंने ये सामान बनाया मेरे बच्चे, इन्हीं सब चीजों से सामान बनाया और फिर कस्टमर को बेचा, तो हमारी गवर्नमेंट कहते हैं कि आपने सेल करके जो 15000 रिसीव किया है कस्टमर से, ये पूरा 15000 आप मुझे मत पे करो, पूरा ना पे करो, इस 15000 में जब आपने इसके लिए सामान परचेज किया था तो आप ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो, 8000,
गवर्नमेंट कहती है कि 15,000 का जो आपने कस्टमर से जीएसटी रिसीव किया, उस 15,000 रुपए में से 8,000 आप ऑलरेडी मुझे पहले पे कर चुके हो इनके थ्रू, तो आप एक काम करो, आप हमें नेट अमाउंट पे करो, नेट अमाउंट या नेट जीएसटी पेबल, जरा बताओ कितना पे किया जाएगा। तो हमने कहा कि भैया 15,000 रुपये में, 15,000 में जो मुझे गवर्नमेंट को देना था, इसमें से 8,000 तो इनके थ्रू ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे ही चुका हूँ, तो और मैं कितना पे करूँगा जी, 7,000 का अमाउंट आपका, 7,000 का मेरे बच्चे, 7,000 ही गवर्नमेंट को और पे किया जाएगा। इन शॉर्ट जो टोटल 15,000 है, वो 15,000 में पहले जितना मैं पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को 8,000, वो माइनस करके बाकी पैसा ही, यही पैसा क्या होगा जी, पेबल टू गवर्नमेंट है, यही मुझे यानी कि टाटा कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगी अपने गुड्स के सेल होने के बाद। आपका सुनो मेरी बात, इसलिए इसका एक नाम है, हम इसको कहते हैं ये 7,000 जो निकल के आया, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। आपका ये वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहा जाता है मेरे बच्चे, मैं थ्योरी में आपको आगे बताऊंगा। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब कि जितनी वैल्यू मैंने ऐड की है उसपे जो एक्स्ट्रा जो टैक्स बनेगा वही मुझे पे करना है। मतलब ये नहीं कि पहले हमने 8,000 यहां भी पे कर दिया, 15,000 यहां भी पे किया, तो कितने टैक्स पे करूंगा। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ वो तो सिर्फ 15,000 रुपये टैक्स बनता है जी, तो 15,000 में 8 मैंने पहले पे कर दिया था, आप क्या करो कि 7,000 और पे करूँगा, टोटल 15,000 हो गया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू हमने ऐड किया उसी पे टैक्स पे किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जीएसटी जस्ट लाइक आपका टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स आपका है, एक वैल्यू जितना हम एडिशन करेंगे उस पे टैक्स पे करेंगे। इसका वर्किंग और भी आगे मैं दिखाऊंगा, आप इसकी कॉपी कर लो। और हाँ, अगर मान लो मैं ऐसे ना समझाऊं मेरे बच्चे, अगर ना समझाऊं मैं आपको, अगर दिखाऊं इसी बात को, और ये थर्ड जो मैंने शुरू किया था, थर्ड को ही अगर मैं दिखाऊं कि टोटल आपका जीएसटी पेबल बाय, अगर टाटा लिमिटेड की मैं बात करूं, ये कैसे निकाला जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। जरा बताओ, आपका आउटपुट जीएसटी यानी कि जो आपने गुड्स कस्टमर को बेचा उस पर आपने जीएसटी कितना रिसीव किया, 15,000। मेरे बच्चे 15,000 रुपये, 15,000 हमने रिसीव किया है जीएसटी जो है, टोटल हमने कस्टमर से कितना रिसीव किया, 15। लेकिन 15 में ऑलरेडी जरा बताओ इनपुट जीएसटी यानी कि जो मैं दूसरों के थ्रू जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ, वो कितना आपका है, 8,000। तो आपका यहाँ पे नेट अमाउंट जो पेबल हो जाएगा, नेट अमाउंट जो पे करूंगा टाटा कंपनी यानी कि मैं, वो कितना पे करूंगा, 7,000। ये 7,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। मंथली रिपोर्ट जाता है मेरे बच्चे, मंथली हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं। एक महीने में जितना हमारा हो गया, जितना हमने आपका आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया है और इनपुट जीएसटी जितना पे किया, वो माइनस करके आपका बाकी टैक्स पे करना होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट आपका, आप प्लीज इसकी कॉपी कर लें, आप इसकी कॉपी कर लो। मैंने जरा सुन लो एक बार, शॉर्ट में बता दो, क्योंकि अब अकाउंटिंग में हम धीरे धीरे आ रहे हैं मेरे बच्चे। जीएसटी लेवी होता है एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। एक्चुअली अभी के टाइम पे दो ऐसे वर्ड है जिनको कि अभी जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया मेरे बच्चे। एक आपका यहाँ पे होता है एल्कोहल, और एक हमारे देश का पेट्रोलियम। ये दो प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनको छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी गुड सर्विसेज हैं, उन पे जीएसटी का कुछ ना कुछ रेट है, चाहे वो 0% हो, चाहे वो 5% हो, 10 हो, 12 हो, 18 है, 24 है, 28 हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका सभी जीएसटी के दायरे में आते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप गुड्स को बेचते हो या सर्विसेज को रेंडर करते हो, तो वो आप ध्यान देंगे कि इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है, क्योंकि अकाउंटिंग करते समय हमें देखना होगा कि जो जीएसटी पे कर रहे हैं उसमें से कितना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना है और कितना हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हाँ, अगर वो आपका इंटरस्टेट सेल है तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सारा का सारा आईजीएसटी निकल के आएगा। आप इसकी कॉपी कर लो। सर हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। अगर हो गया तो मैं अब आपको अकाउंटिंग और लेकर आता हूँ। ये हमारे कितने पॉइंट हो गए थे, 3 ना, अकाउंटिंग पर्पस के बाद। अब मैं यहाँ पे इसको मिटाऊँ और कुछ एंट्रीज आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज दिखाऊँ। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ।
और जितनी बातें मैंने आपको समझाया है उसी को मैं यहाँ पे दोबारा आपको एंट्री में समझाता हूँ। एक काम जरूर करना, अगर आपको लगता है कि हमें एक बार रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है जो सर ने बताया, तो मेरी वीडियो को भी पॉज कर लो और प्लीज़ आप दो मिनट के लिए पूरा का पूरा रिवाइज कर लो जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाया है, क्योंकि वो सारी बातें अब यहाँ पे निकल के आएंगी मेरे बच्चे, सारी बातें। लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ फोर्थ पॉइंट आज का, और मैं आपको सिखा रहा हूँ जनरल एंट्रीज। मैं आपको जनरल एंट्रीज सिखा रहा हूँ कि क्या एंट्रीज बन सकता है जनरल एंट्रीज। और आज हम पहले सीखते हैं इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। अगर मैं इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के बीच में जब ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो फिर मैं आपका एंट्री कैसे पास करूँगा। मेरे बच्चे आप ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल सिर्फ विद इन दिल्ली, मतलब किसी एक ही स्टेट के अंदर में विद इन दिल्ली आपका। और आप ये भी जानते हैं कि इस केस में जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, एक आपका सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी, ये दोनों मिलकर आपका बन जाता है टोटल जीएसटी। बताया था ना, आप ऐसे ना देखो कि लग रहा है कि कुछ मैंने बताया ही नहीं है, सारी बातें बता चुका हूँ। आप देखो ना, पीछे मैंने बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरे बच्चे जब हम कोई इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोचेंगे, तो या तो वो आपका परचेज के टाइम पे जीएसटी आपका आएगा या फिर सेल के टाइम पे जीएसटी आएगा। परचेज हो जाए चाहे वो आपका गुड्स का, चाहे वो आपका फिक्स्ड एसेट्स का, चाहे वो सर्विसेज का। मेरे बच्चे जब भी परचेज होगा तो यहाँ पे नाम आया था इनपुट जीएसटी, याद है आपको ना, इनपुट जीएसटी। जब परचेज होगा तो इनपुट जीएसटी का मतलब है कि इनपुट यानी कि इनको लेते समय, रॉ मटेरियल लेते समय, फिक्स्ड लेते समय, जिससे भी हमने परचेज किया होगा हमने जीएसटी पे किया होगा, याद है आपको। इनपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है जी, जीएसटी जो हमने पे किया है। और आपका अगर सेल होता है गुड्स का या फिर सर्विसेज का, लो मैंने खुद ही रिवीजन करा दिया मेरे बच्चे, तो यहाँ पे सेल के टाइम पे हम क्या लेते हैं, आउटपुट जीएसटी आपका। और ये आउटपुट जीएसटी का मतलब कि जो हमने रिसीव किया होगा एट द टाइम ऑफ सेल फ्रॉम कस्टमर्स, मैंने जो अपने कस्टमर से रिसीव किया होगा वो अमाउंट आपका इतना है, नेट अमाउंट जो पे करना होता गवर्नमेंट को वो आपका आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आप बातें समझ रहे हो ना, मैं चिल्लाया जा रहा हूं, गला मेरा खोखला हो चुका है मेरे बच्चे। अगर कोई मेरे गले को काट देना तो गले के अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतना चिल्लाता हूं आपको समझाने के लिए, मैं क्या करूं। आप मेरी बात को समझते नहीं हो, यही बातें बताया था अभी पिछले आधे घंटे से 45 मिनट से, जो मैं रामायण आपके साथ बोल रहा हूं, महाभारत जो मैंने आपको सिखाया वो यही बातें सिखाया मैंने, कुछ नई बातें नहीं सिखाया, ठीक है ना सर। हाँ सर, हाँ आप सर तंग ना करो, जल्दी से कॉन्सेप्ट पे आ पाओ, बताओ क्या एंट्री सिखाना चाहते हो। लो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इंट्रास्टेट, अभी मैं इंटरस्टेट की बात नहीं करूँगा, इंट्रास्टेट। तो आप लिखो पहले यहाँ पे नंबर ए, पहले मैं गुड्स पे ही आ जाता हूँ। कहता है कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स फॉर रुपीज 1 लाख। लो 1 लाख रुपए का गुड्स हमने परचेज किया है। मेरे बच्चे सारे एग्जाम्पल मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, आप मान लेना इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन स्टेट में सेल कर रहा हूं, विद इन स्टेट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम आपका सप्लायर्स 1 लाख रुपीज का, और कहता है कि जीएसटी का जो रेट है वो कहता है मान लो यहाँ पे 18%, मान लो आपका 18%, जीएसटी कहता है 18%, कहता है कि आप एंट्री करो। मेरे बच्चे मैं एंट्री आपको दिखाता हूँ, मैं बातें समझाऊंगा भी, अब सुनो ध्यान से क्या होगा। जब मैं इसकी एंट्री पास करूँगा सोल्यूशन में, तो बताओ जरा, मैंने परचेज किया गुड्स, तो परचेजेज तो मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, यानी कि परचेजेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा।
बोलो कितने का गुड्स परचेज किया? 1 लाख का। तो मेरे बच्चे 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे परचेज, याद रखना एक्सपेंसेज उतने ही दिखाना है जितने का गुड्स परचेज किया, यानी कि 1 लाख रुपीज। अरे ये जो 18% हमने जब पे किया होगा, जिस आदमी से गुड्स परचेज किया हमने, उसने हमसे जीएसटी लिया होगा ना, बोलो ना। अगर मैं इनसे गुड्स परचेज करूंगा तो इन्होंने मुझसे जीएसटी चार्ज किया होगा ना, क्योंकि इन्होंने सेल किया है। और कितना चार्ज किया होगा? 18%, 18% मेरे बच्चे। ये क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट, तो इस 18% में 9% जो है ये किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो सुनो देखो मैं क्या करूंगा कि भैया 1 लाख का गुड्स परचेज किया, एक तो ये 1 लाख रुपए सप्लायर को पे करूंगा, और इसमें से आपका सीजीएसटी ये भी मुझे पे करना है। और हाँ, क्योंकि हमने इसको ये पे किया है मेरे बच्चे, ये पे किया है, तो मैं इसको कहूँगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। जब भी परचेज के टाइम पे हम पे करते उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी में कौन सा? सीजीएसटी। और यहाँ पे आ गया इनपुट, दूसरा क्या था जी? स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिटेड। बताइए इस 18% को दो पार्ट में डिवाइड करो तो 9% इनके हिस्से में, मेरे बच्चे 9% ऑफ 1 लाख यानी कि 9000, और 9% ये आपका, मतलब ये सारा पेमेंट मुझे किसको करना होगा? क्रेडिटर्स को। वो क्रेडिटर्स जिन्होंने जिनसे मैंने परचेज किया मेरे बच्चे, उनको 1,18,000 मुझे पे करना होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने जिससे ये परचेज किया है गुड्स, मैंने जिससे परचेज किया मेरे बच्चे, उस आदमी को मैंने क्या किया होगा जी? आपका 1 लाख गुड्स के बदले में, और 18,000 का मैंने उसको जीएसटी पे किया होगा या पे करूंगा, मैंने उसके अकाउंट में ऐड कर दिया, मैं उनको 18,000 पे करूंगा। इस 18,000 में से 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा सीजीएसटी, और 9,000 आपका एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्योंकि मैं पे कर रहा हूं तो मैं यहां पे पेड पेड नहीं लिखता, तो हम क्या लिखते हैं? इनपुट, यानी कि इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये एंट्री बन गया आपका। तो ये आपका हो गया जी परचेज आपका। और मेरे बच्चे अगली एंट्री में दिखाऊं, यहां पे एक काम करो, ए का नंबर 1 कर देना इसको आप, ए का नंबर 1, और ए का नंबर 2 में कहना कि पेड ड्यूज टू सप्लायर, जितना भी सप्लायर का अमाउंट था मैंने पे कर दिया। तो जरा बताओ कितना पे करना था सप्लायर्स को? 118। ये जो आपका टैक्स है ये सप्लायर मुझसे ले लेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, तो मैं तो आपको पूरा दूंगा ना बच्चे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? जब इनका पे किया लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी का कम होना डेबिट हो जाएगा ये 1,18,000। अगर आपने बैंक से पेमेंट कर दिया तो 2 बैंक अकाउंट कर देना, कैश पेमेंट किया तो 2 कैश। ऐसे बैंक ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन बैंक से ही होते हैं। तो हो गई एंट्री, आप समझो मेरी बात, यहाँ पे बात समझ रहे हो? सर हाँ सर हाँ, लेकिन सर और समझाओ, मैं आपको और समझाता हूँ। पहले याद रखना मैं कुछ लिख रहा हूँ मेरे बच्चे आपको समझाने के लिए। ये देखो, आप कोई पूछे ना कि जरा बताओ 1,18,000 जो आपने क्रेडिटर्स को पे किया, 1,18,000 जो क्रेडिटर्स को पे किया, उसमें आपका एक्सपेंस कितना हुआ? मेरे बच्चे एक्सपेंस जो है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका 1 लाख को कहूँगा ये मेरा एक्सपेंस है। ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये आज जो मैंने पेमेंट किया है ना, आगे मैं क्या करूँगा? एडजस्ट करवाऊँगा, जो मेरा टैक्स बनेगा उस पर एडजस्ट कराऊंगा। तो मेरे बच्चे ये मेरा एक्सपेंस नहीं होगा। अगर नाम देना ही है ना, तो आप इसको अपना एसेट्स नाम दे सकते हो। एक तरीके से हमने एडवांस में जीएसटी पे कर दिया, क्योंकि जब मैं कस्टमर से कलेक्ट करूंगा उस टाइम पे जब पेमेंट करना होगा तो इसको माइनस करके ही बाकी अमाउंट पे करूंगा। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं इसको और समझाऊंगा। पहले ए का आप छोड़ो, मत लिखो अभी इसको, मैं अगले एग्जांपल में समझा दूंगा मेरे बच्चे, इसको छोड़ दो, बस कर दो आप इस तरीके की एंट्री। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एग्जाम्पल नंबर बी, नंबर यहाँ पे बी, ये जो हमने गुड्स परचेज किया था सप्लायर से 1 लाख का। अब मैं आगे बढ़ता हूं, लिखो ना, कहता कि परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5 लाख
इन कैश, लो इस बार कैश में परचेज किया, मतलब यहाँ पे मेरे बच्चे अब क्रेडिट पे नहीं है। और हाँ, जब भी परचेज किया तो जीएसटी तो रहा ही होगा, मान लो इस बार रेट आपका 12% कहता है, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम इंट्रा स्टेट सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एग्जाम में हमेशा आपको बताएगा वो इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, आपको चिंता नहीं करना। अभी मैं सारे एग्जाम्पल जो आपको समझा रहा हूँ वो इंट्रा स्टेट पे ही समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहता है जरा बताओ अब क्या एंट्री करेंगे, कोई बात नहीं, ये देखो आप इसकी एंट्री क्या होगा सॉल्यूशन में। आपने गुड्स परचेज किया तो मेरे बच्चे परचेजेज अकाउंट यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो तो 5 लाख से ही डेबिट होगा, 5 लाख रुपए। लेकिन आपने जब परचेज किया तो जीएसटी भी तो पे किया होगा, जीएसटी पे किया मेरे बच्चे, जीएसटी जब पे होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी हमने पे किया है तो पे करने से ये आपका डेबिट आएगा। इनपुट जीएसटी के दो थे, एक आपका सीजीएसटी और एक आपका इनपुट एसजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका, ये हमने क्या किया यहाँ पे डेबिट किया। लीजिए ये डेबिट किया, अब सुनो ना कितना है 12%, तो आप जानते हैं कि 6% यहाँ जाएगा। अब 5 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 30,000। और मेरे बच्चे 5 लाख का बाकी का कितना हो जाएगा, 30,000। तो हम लोगों ने ये टोटल पेमेंट किया होगा, ये जो कैश में पेमेंट किया यानी कि टू कैश अकाउंट कितना हो गया जी, 5,60,000, 5,60,000 रुपये। मेरे बच्चे टोटल आपने 560 आज गुड्स के बदले में पे किया, 560। लेकिन इस बात को ध्यान से रखना कि ये टाटा कंपनी का जब आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि जो 5,60,000 पे किया ना, इसमें सिर्फ 5 लाख ही आपका एक्सपेंस है जो आपने रॉ मटेरियल के लिए पे किया। एक्चुअली जो आपने इनपुट जीएसटी पे किया ना, ये एक तरीके से हम एसेट्स मानते हैं। सर ये एसेट्स क्यों माना जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे ये एक तरीके का एडवांस टैक्स हमने पे कर दिया, आगे जब कस्टमर से हम जीएसटी लेंगे तो उसमें इसको माइनस कर दिया जाएगा, उस समय कहा जाएगा कि देखो जी इतना जीएसटी बना, लेकिन इसमें से हम पहले यानी कि एडवांस में ही इतना आपको पे कर चुके हैं। मेरे बच्चे कोई भी पेमेंट अगर आपने एडवांस में किया है तो हम उसको एसेट ट्रीट करते हैं, आप जानते हैं। मैं ऐसे समझा रहा हूँ मेरे बच्चे कि जो आपने रॉ मटेरियल के लिए पे किया उसको एक्सपेंस कहना, और जो आपने इनपुट जीएसटी पे कर दिया, क्योंकि आगे इसका एडजस्टमेंट होगा वो कैसे होगा वो भी सिखाऊंगा, 2 मिनट सब्र तो करो। लेकिन आज दुनिया को कहना कि हमने एडवांस में एक जीएसटी पे किया जिसको हमने एसेट ट्रीट किया और टोटल कैश इतना चला गया, 560 का अमाउंट आपका, ये आपका हो गया परचेज्ड गुड्स, 5 लाख का इन कैश। तो इस तरीके से बातें निकल के आएंगी। एग्जामिनर आपको और भी कई कई बातें लेकर आ सकता है, वो कुछ ऐसे भी कह देगा, क्या फर्क पड़ता है, लिखो ना, वो जो भी कह सकता है हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, सी पॉइंट। कहता कि परचेज्ड गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल फॉर रुपीज 3 लाख फुल स्टॉप। कहता है कि आपका जीएसटी कहता है इस पर मान लो कितना ले लो, चलो 28% मान लो 28% है। कहता है कि 1/2 पेड इन कैश, आधा पेमेंट आपने कैश में पे कर दिया, और कहता है या कह दो एंड रिमेनिंग इज स्टिल ड्यू, मतलब आधा हमने कैश पेमेंट कर दिया है और आधा पे करना बाकी है, बाद में पे कर देंगे। एंट्री क्या होगा जी, आओ जरा मैं यहाँ पे आपको एंट्री दिखाता हूँ। एक तो पहले परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, आपने जो गुड्स परचेज किया जरा बताओ वो कितने का है, 3 लाख का। और क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे इंट्रा स्टेट सेल है तो दो आपके जीएसटी हैं, एक आपका क्या जी सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी। और क्योंकि मैं ये पे कर रहा हूँ यहाँ जीएसटी में पे कर रहा हूँ जिसने मुझे दिया था, तो विल राइट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड और ये इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड आपका। एंड टू जरा देखो ना, पहले कितना बन गया बताओ, 28% में 14% यहाँ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो बताइए 3 लाख का 14% कितना होता है, 3 लाख का
14%, मेरे बच्चे ये 42,000 का अमाउंट आपका हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 42,000, तो टोटल कितना बन गया 384,000। इस 384,000 में आधा हम पे कर चुके हैं, तो डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 कैश अकाउंट कितना पे कर चुके हैं जी 1,92,000, और आधा पे करना बाकी है, तो ठीक है क्रेडिटर्स लिख दूंगा, 2 क्रेडिटर आपका कितना जी 192। अब समझो ना, यहां चीज तो कुछ है नहीं, ये तो बातें आप जानते हो, बस यही तो बात अलग से समझना है, यही तो बात आपको अलग से समझना है। तो मेरे बच्चे हमने 3 लाख का गुड्स परचेज किया, इस पे इतना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को हम दे चुके आपका, क्योंकि सप्लायर को हमने पे कर दिया, पे करना है, तो ये हमारा क्या होगा जी एसेस ट्रीट किया जाता है, आगे एडजस्ट हो जाएगा कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, आप प्लीज कॉपी कर लो। सर हो गया, और भी कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करने को, मैं आज ही करूंगा, मुझे पता है भूख है मेरे बच्चे इस जीएसटी को आपको समझाने की, इतने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं ना, इतने लोग फायदा उठा रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, और खामखा देश में रूमर है कि जीएसटी आ गया, वो पता नहीं क्या हो गया, ये जो उल्टे सीधे लोग बोले जा रहे, कुछ नहीं है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा चीज है, इसके आने से हमारे देश में महंगाई सचमुच में कम हुई है, अगर जो देश में जो गंदे लोग हैं ना, बदमाश लोग, अगर वो गलत काम ना करें तो, इतनी अच्छी पॉलिसी है कि मैं क्या बताऊं, मैं सिखाऊंगा, अभी क्लास आगे चलने तो दो अभी जीएसटी पे हमें 5-6 क्लास कम से कम आपके साथ लेके चलना है, बहुत सारी बातें सिखानी है, मैं सब सिखाऊंगा, इतना सिखा दूंगा कि आप दुनिया में किसी के साथ इस पर डिस्कशन करना शुरू कर सकते हो, वो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि भैया हमने तो सिर्फ अकाउंटिंग सीखा है, सब सीख जाओगे, सब सिखाऊंगा। ये देखो आप, मैं इसको मिटाता हूं, अगला लिखो आप यहां पे। अभी तो बात गुड्स की उठी थी, अब मैं आपको यहां पे और लेकर आता हूं, डी पॉइंट यहां लिखिए। मान लो इस पर कहता है कि परचेज्ड कोई फिक्स्ड लेते हैं, जैसे कि मशीन, हमने मशीन परचेज किया फॉर रुपीज, मान लो 8 लाख का हमने मशीन परचेज किया, और बच्चे कहता है कि जीएसटी जो है मान लो आपका 5% है, मान लो 5% है, जो भी होगा क्वेश्चन बताएगा, और रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, हमेशा ये मानेंगे क्योंकि उसी को कवर कर रहे हैं, एग्जाम में हमेशा बताएगा, आपको चिंता नहीं करना है। तो मैं क्या एंट्री करूँगा जरा बताओ, सुनो मेरी बात, एक तो आपने मशीन परचेज किया, तो सॉल्यूशन में मशीन को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए, याद रखना अगेन मशीन जो एसेट्स बनेगा वो 8 लाख से, 8 लाख रुपये आपने मशीन 8 लाख रुपये दिखाना है, और ये जो जीएसटी आपने जो पे किया होगा मेरे बच्चे परचेज के टाइम पे, विल राइट इनपुट, जब भी हम पे करेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, कितना जी, तो 5% का आधा 2.5%, जरा बताओ 8 लाख रुपए का, 8 लाख का आपका 2.5 कितना होता है, ये हो गया 20,000, और ये भी कितना आ गया 20,000। तो आपने यहाँ पे क्या किया, टू हमने नया बताया तो मान लो कैश में, क्योंकि नाम ना बताया तो हम कैश में मान लेते हैं, यहाँ पे कितना पे किया 8 लाख आपका 40,000। हमने इस मशीन पे 8,40,000 का पेमेंट किया है, लेकिन मेरे बच्चे अगर बाहर वाले किसी ने पूछ दिया कि बताओ मशीन की कॉस्ट आपकी कितनी है, मशीन की कॉस्ट, तो आप कहना मशीन की कॉस्ट जो होगा ना, कॉस्ट ऑफ मशीन, वो आपका 8 लाख का अमाउंट है, 8 लाख का अमाउंट। मेरे बच्चे ये जो 40,000 आपने जो जीएसटी पे किया ना, ये तो आगे जब गुड्स सेल करोगे वहां तो माइनस करा लोगे आप कि भैया इतना पे कर चुके हैं तो बाकी माइनस करा लो, लेकिन आपका कॉस्ट जो होगा मशीन इतने पे ही रिकॉर्ड होगा, है ना। इवन तो हमने 840 पे किया है, तो हमने कहा कि ठीक है 40 जो पे किया है, अगली बार जो जीएसटी पे करना होगा उसमें माइनस करा लेंगे, तो ये खैर एक्चुअली एंट्री आपका निकल के आता है। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ। ई पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, ई पॉइंट कहता है कि हमने रेंट पे किया, मान लो कहता है कुछ भी बनाओ ना, रेंट पे किया कहता है रुपीज मान लो 20,000, और जब रेंट पे किया सर्विसेज है, यहाँ भी कहता है कि जीएसटी मान लो सपोज की 12% है, रेट कुछ भी होगा क्वेश्चन बताएगा, हमने रेंट पे किया है, एंट्री करो। तो रेंट जो आपका होगा एक्सपेंस मेरे बच्चे, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट, और रेंट कितने से 20,000 से आप यहां पे बढ़ाएंगे 20,000 रुपये, हाँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, तो विल राइट इनपुट, इनपुट आपका क्या था वो सीजीएसटी डेबिट,
और यहाँ पे इनपुट एस जी एस टी डेबिट एंड टू हमने कह दिया आपका कैश या बैंक जो भी बोलें जैसे पेमेंट किया होगा आपने, ये आपका 12% में 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी कि 6% हो गया 1200 आपका, है ना। और ये भी चला गया 1200, मतलब टोटल कितना पे किया हमने 22400 का अमाउंट। मेरे बच्चे 22400 पे किया, लेकिन आपका जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा रेंट, वो आपका कितना जी 20000। ये एक्सपेंस नहीं है, ये हमने एक तरीके से एडवांस पे किया है एसेट्स। बार बार जो एसेट्स लिख रहा हूँ ना, ये हो सकता अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा इसको एसेट्स क्यों बोल रहा हूँ और बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बस बार बार कोई चीज़ मैं बोलता हूँ ना, यानी कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कराना चाहता हूँ कि ये दिमाग में लंबे समय तक आपको बैठा रहे। आप समझ रहे मेरी बात? सर हाँ सर हाँ। तो आपने यहाँ भी एंट्री कर दिया रेंट पे करने का, तो जरा ऐसे बताओ ना, अगर मैं कहता हूँ कि जरा बताओ जी आपने यहाँ पे स्टेशनरी पे किया, सर हमें रेट याद करना पड़ेगा? नहीं बच्चे, अगर क्वेश्चन में होगा किसी चीज़ के साथ तो रेट दिया रहेगा, अदरवाइज नहीं दिया रहेगा। स्टेशनरी कहता है कि हमने पे किया रुपीज़ मान लो 60000 और कहता है कि जीएसटी जो है मान लो 10% है, मान लो क्या जाता है कुछ भी रेट, रेट आया चेंज होते रहेंगे मेरे बच्चे, आज कुछ है कल कुछ और रहेगा, मान लो 10%, क्या करेंगे? तो आप देखो स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है, स्टेशनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से 60000। और जो आपका जीएसटी है, क्योंकि आपने पे किया है आपने, तो आप बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, फिर आप कहेंगे यहाँ पे इनपुट, अगर इनपुट नहीं लगाया तो मार्क्स खत्म है, जीरो। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट यानी कि हम पे कर रहे हैं जिससे हमने इस सर्विस को कंज्यूम किया होगा, एंड टू कैश या टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा 60000 में 5% यानी कि 3000 यहाँ 60000, हाँ जी, और 3000 आपका यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 66000 का अमाउंट आपका। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड 60, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड टू कैश अकाउंट, हो गई बात है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? सर हाँ सर हाँ। मेरे बच्चे एक पॉइंट और ले लो, आप एक पॉइंट और ले लो और फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे। अगली क्लास में और बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है मुझे, अभी तो बहुत दूर तक मैं आपको लेके चलूंगा। पहले आप यहां पे आइए, एक चीज और समझते हैं हम लोग, डी ई एफ। अब आइए जी पॉइंट, जी पॉइंट आप लेंगे। कहता कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स रुपीज 1 लाख, और कहता है कि जीएसटी यहां पे आपका 12% है। सर ये तो आपने कराया था, ऐसा तो सर आपने पीछे कराया हुआ है, वो पहला एग्जांपल यही था। हाँ मेरे बच्चे हाँ, ठहरो, तो मुझे इससे जोड़कर एक पॉइंट और समझाना है। पहले आप यहां लिखो, आप बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री में गुड्स परचेज किया, यानी कि परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस कितने का हो गया 1 लाख का, 1 लाख का, ठीक है जी। अब देखो क्योंकि इंटरेस्टेड सेल है और आप परचेज के टाइम पे जीएसटी पे किया होगा आपने जिससे परचेज किया है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, फिर आप लिखिए यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड, और हमने क्रेडिट पे लिया यानी कि टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। मेरे बच्चे 12% में 6% यानी कि 6000 यहाँ, 6000 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 1,12,000। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि 1 लाख का गुड्स परचेज किया, 12% जीएसटी है, तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास, हमने यहाँ पे बात कर दी। मेरे बच्चे मुझे एज पॉइंट की एंट्री एक्चुअली समझाना था। एज में कहता है कि ये मैं डेट दे दूँ क्या, ये डेट मान लो आपका 12th July है, मान लो ये 12 जुलाई है आपका, 12 जुलाई को। अब कहता है यहाँ पे 15th July को ले लो, कोई बात नहीं, डेट में क्या जाता है। कहता है कि परचेज्ड गुड्स जो हमने परचेज किया था, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20000, मतलब 1 लाख में से 20000 रुपये रिटर्न्ड
रिटर्न्ड टू सप्लायर्स, हमने वापस कर दिया मेरे बच्चे, हमने वापस कर दिया। कहता है कि जो गुड्स आपने परचेज किया था उसमें से 20,000 के जो गुड्स है वो आपने वापस कर दिया, क्या एंट्री होगा? अरे कौन सी बड़ी बात, क्रेडिटर्स जो हमने क्रेड किया था अब लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब हमें इनको उतना पेमेंट नहीं करना, और आप जानते हैं कि लायबिलिटी कम होना डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट मत लिखो अभी आप, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड। पर बच्चे परचेज जो डेबिट किया था अगर वो रिटर्न हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, परचेज रिटर्न। ये बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, परचेज रिटर्न। और सुनो ना, सुनो ना, सुनो तो, देखो तो, यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को जो जीएसटी पे करना था, क्रेडिटर्स को जो हमें जीएसटी पे करना था, अब इस 20,000 के ऊपर में जो जीएसटी होगा वो नहीं पे करूंगा, वो गुड्स वापस कर दिया। कॉमन सेंस है। अरे हमने 1,00,000 रुपए का गुड्स लिया था तो हमने कहा था कि 1,00,000 में इतना जीएसटी पे करेंगे, लेकिन जो गुड्स हमने वापस कर दिया उस पर थोड़े ही पे करेंगे। यानी कि मेरे बच्चे जो इनपुट जीएसटी आपने डेबिट किया था अब वो क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट आपका सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। कितना जी, पहले बताओ रिटर्न कितने का हुआ, यहां लिखो 20,000 रुपए का। अब इस पे जरा बताओ 20,000 पे 12% के यानी कि 6% का कितना हो जाएगा, 20,000 का 6% ना आधा 1200, और यहां भी कितना 1200। तो क्रेडिटर्स आपका डेबिट कितने से हो जाएगा, 22,400 से डेबिट हो जाएगा। मतलब जितना मुझे आपको पे करना था उसमें सब इतना नहीं पे करूंगा, इतना नहीं पे करूंगा। और हमारा जीएसटी पेड कितना माना जाएगा जी, तो 6 - 4800, और एसजीएसटी कितना, 6 - 4800 इतना रह गया। मतलब जो हमने डेबिट किया था अगर वो नहीं पे किया तो फिर उसको कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर, हाँ सर, आई बात समझ में सर, और कुछ समझाओ ना। ना मेरे बच्चे ना, आज रहने दो, आज तो हमें यहीं पर रहने दो, क्योंकि अगली क्लास में जो बातें होने वाली है ना वो इतनी मस्त होने वाली है कि मैं क्या बताऊँ। आप बस समझो कि जितनी बातें आज मैंने अभी समझाई हैं इन बातों का प्रॉपर रिवीजन करने के बाद ही अगली क्लास में आपको बैठना है। विश्वास दिलाता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं उनसे कहीं आगे आप रहेंगे जीएसटी को समझने में। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में मिलूंगा मेरे बच्चे, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।